दाल और सब्जी तो हर दिन हर किसी के यहाँ बनता ही है, पर उसी सिंपल खाने को कैसे ऐसा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दें कि सब बहुत ही खुशी खुशी और बहुत ही अच्छी तरीके से खाएं। इसलिए मूड ऑफ फूड किचन में आज बनेगा भरवा मिर्च की सब्जी और दाल तड़का, जो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। भरवा मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मिर्च को धुल के और बीच में से काट के उसको तैयार कर लें। फिलिंग बनाने के लिए हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसमें हरी मिर्च, अदरक डालेंगे और हल्दी, लाल मिर्च डाल के हम उसमें आलू को मैश करके डालेंगे। अब उसमें नमक, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, काला नमक, चाट मसाला, ये सब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ऊपर से हरी धनिया से गार्निश करके इस मसाले को तैयार करेंगे। इसमें 2 चम्मच हम रोस्टेड बेसन भी डालेंगे, जिससे इसका फिलिंग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन बेसन को अच्छी तरीके से रोस्ट करने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे। अब फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम मिर्चियों के बीच में इस फिलिंग को चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से इस तरह से भरेंगे। इस तरह से आप एक एक मिर्ची में फिलिंग को बराबर भर के तैयार कर लीजिए। सभी मिर्चियों को भर लेने के बाद एक पैन में तेल लेंगे और सभी मिर्चियों को इसी में एक एक करके रख देंगे। ये ऐसी सब्जी है जिसमें तेल बहुत कम लगता है, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए थोड़े कम तेल में ही ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। थोड़ी देर में ही ये सब्जी बन जाती है, लेकिन इसको उलट पलट करके हर तरफ से अच्छी तरीके से पकाएंगे हम। ऐसे उलट पलट दीजिए उसको, जिस तरफ लाल हो जाता है उसको पलट के दूसरी तरफ कर दीजिए और पूरी सब्जी को, सभी मिर्चियों को अच्छी तरीके से पक जाने दीजिए। मिर्चियों को पलट के अच्छी तरीके से पका लेंगे और देखिए सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसी बचे हुए तेल में दाल तड़का तैयार करेंगे। दाल को हमने हल्दी और नमक डाल के पहले ही बॉयल कर लिया है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में तेल, उसमें जीरा, हींग डालेंगे, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। उसको थोड़ी देर भूनेंगे और थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसी में कटी हुई प्याज को डाल के सबको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। सब गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद में हम उसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ में ही थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, जिससे वो अच्छी तरीके से टमाटर पक जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, जो अच्छा कलर देगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। इन सबको अच्छी तरीके से पकाने के बाद में हम उसमें दाल ऐड करेंगे और दाल को मिक्स करके अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसमें हम ऊपर से हरी धनिया की गार्निशिंग करेंगे और एकदम अच्छी दाल तड़का बनके तैयार हो गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस टेस्टी फूड को एंजॉय करें और मेरे साथ बने रहें।